जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। लीजिए आज भी एक नई रेसिपी लेके हैं, बिल्कुल यूनिक सी, जिसका आपने कभी नाम भी ना सुना हो शायद। अब आम रस में चावल तो बहुत खाए होंगे आपने, आज हम आम रस में ही चावल बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। जब कभी मीठा खाने का मन होगा तो फटाफट से आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर हम चावल ले लेंगे। चावल आप कटोरी से या फिर गिलास से जिससे भी नापना हो नाप लेना। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़े से ही बना लें, या तो एक कटोरी या आधी कटोरी। यहाँ मैंने 1/3 कप लिए हैं। उन्हें अच्छे से धोकर साइड में रख देंगे पानी निकाल के, ताकि थोड़े सूख जाए। तब तक यहाँ एक आम ले लेना है अच्छा पका हुआ, उसे छील कर इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। और हाँ, आम उतना ही लेना है जितने हमने चावल लिए। जिस बर्तन से आपने चावल नापे हैं उसी बर्तन से आम भी नाप लेना। तो यहाँ 1/3 कप के बराबर ही आम ले लेना है। तो आम के टुकड़े हम इस कप में भरकर नाप लेते हैं। बाकी बचे हुए आम को आप खा सकते हैं या फिर साइड में थोड़ा सा रखना है हमें इसको बचाकर, ताकि इसको ऊपर से हम डेकोरेट कर सकें। तो ये साइड में रख देंगे। और इस आम के क्यूब्स में हम मिलाएंगे थोड़ी सी शक्कर। शक्कर आप अपने स्वादानुसार डाल देना जितना आपको मीठा चाहिए। यहाँ मैंने 1/4 कप के बराबर शुगर ली थी। इन दोनों को मिलाकर पीस लेना है, पानी बिल्कुल मत डालना पर। और यहाँ 3-4 इलायची दरदरी कुटी हुई ले लेनी है। चावल हमारे अच्छे से सूख चुके हैं, लगभग 10-15 मिनट के लिए साइड में रख दिया था इन्हें। अब एक कढ़ाई लेनी है, और उसमें कुछ भी मीठा बनाना हो ना तो सबसे पहले इसमें पानी अच्छे से बॉईल कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, बर्तन में जो भी मसालों का फ्लेवर होता है ना, नमक या मिर्ची का, वो निकल जाएगा। पानी को फेंक कर इसमें 2 छोटी चम्मच के करीब घी ले लेना है। 8-10 काजू ले लेंगे, चाहे तो बादाम और किशमिश भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक, और साइड में रख देंगे, इन्हें हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसी घी में हमें डाल देने हैं चावल, और चावल को हमें इसमें थोड़ा सा भून लेना है, लगभग 4 से 5 मिनट। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है। तो इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है, जैसे हम पुलाव के लिए भूनते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब जितने चावल लिए थे उसका 2 या 3 गुना पानी ले लेना। अगर कुकर में बना रहे हो तो 2 गुना पानी लेना, और इस तरह खुले बर्तन में या कढ़ाई में बना रहे हो तो 3 गुना पानी। इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक देना है। तो चावल आधे कच्चे हों तो इसमें हम डाल देंगे 10-12 धागे केसर के, इससे इसका अच्छा कलर भी आएगा और फ्लेवर भी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर से ढक देंगे हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि चावल कुक ना हो जाए। चावल हमारे अच्छे कुक हो चुके हैं, इन्हें हमें ओवर कुक नहीं करना है। बिल्कुल पुलाव रहता ना बिल्कुल वैसा बिखरा बिखरा बनाना है। अब इसमें हम 2-4 ड्रॉप ऑरेंज कलर आता ना वो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची और मैंगो प्यूरी। प्यूरी पूरी मत डालना है एक बार में, आप आधी डालकर देख लेना कि चावल ज़्यादा गीले के लिए ना हो। ये चावल हमारे ऑलरेडी कुक हो चुके हैं, इसके बाद लगे तो बाकी की बची हुई डाल देना। यहाँ पूरी ही लग गई है लगभग 1/3 कप। तो जितने चावल लिए हैं उतने ही प्यूरी लेंगे तो नाप बिल्कुल बराबर रहेगा। तो अब इसको हम अच्छे से 5 मिनट के लिए और कुक होने देना। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे ताकि चावल अच्छे से कुक हो जाए। हाँ, चावल हाथ से मसल कर देख लेना कि अच्छे से कुक हुए हैं या नहीं। अगर ज़्यादा कच्चे लग रहे हो तो थोड़ा सा और कुक कर सकते हैं। यहाँ चावल हमारे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। अब ये गरम गरम है तो थोड़े स्टिकी लग रहे हैं आपको, पर जैसे जैसे ठंडे हुए अच्छे बिखर जाएंगे। तो यहाँ गैस ऑफ करके इसको 5-10 मिनट के लिए और ढक देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए काजू, इनको मिक्स कर लेना है। अब जिस बर्तन में भी आप इसको सर्व कर रहे हो इस तरह से सर्व कर लेंगे। तो एक कटोरी ले लेना या फिर बाउल, उसमें नीचे ड्राई फ्रूट्स इस तरह से सेट कर देना, तो देखने में अच्छे लगेंगे। इसमें गरम गरम हम डाल देंगे अपने आम रस वाले चावल, और इसको दबा दबा कर अच्छे से सेट कर लेना ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसको गरम गरम में ही डीमोल्ड नहीं करना है, थोड़ी देर रख देना ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो इस तरह से प्लेट पर इसे निकाल कर सर्व कर लेना। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। लीजिए रेडी है हमारे आम रस वाले चावल, मीठे वाले। इस रेसिपी का आप वो क्या नाम देंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
क्योंकि मुझे खुद भी नहीं सोच रहा इसका नाम क्या रखें। ऊपर से इससे से फ्रेश कटे हुए आम डाल देंगे पके हुए, तो ये खाने में और भी टेस्टी लगेगी, है ना। इजी सी रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है, 10 से 15 मिनट में हार्डली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। इससे पहले कि आम का सीज़न ख़त्म हो, फटाफट से रेसिपी बनाकर ट्राई कर लो और कमेंट करके बताना मत भूलना कि ये रेसिपी कैसी लगी। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लेना, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपी लाती रहूँ। तो आप इसको करिए इंजॉय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।